नमस्कार मु बंदिता। आतंकवाद और पाकिस्तान मध्ये किभली संपर्क ताहा सारा दुनिया को जना। निज कार्यकलाप विश्व में केवल निंदित होनी पाकिस्तान, बर गांगाळ मध्ये होई सारलाणी। परिस्थिति एमती होई जे तालिबान लोभरे पड़ी आग को निजपाई डाकिलाणी बड़ विपद। हेले एसबू भितरे भी भारत विरोध में मंद चिंताधारा छाड़ी पारुनी। कश्मीर को नहीं जारी रखी आतंकवादी कार्यकलाप, एवं जो तथ्य सामना को आसुची ताहा सांघातिक। टारगेट किलिंग जरिया रे उपत्यकारे आतंकर परिवेश सृष्टि करबा को लक्ष्य रखिछि पाकिस्तान। हेले यार जवाब देबा को सजग रहिछि भारतीय सेना। यहा को नहीं आमर आज स्पेशल रिपोर्ट कश्मीर रे कॉन्ट्रैक्ट किलर। कश्मीर रे टारगेट किलिंग जरिया रे आतंकर परिवेश सृष्टि करबा को चाहुछंती आतंकवादी। टारगेट किलिंग जरिया रे कश्मीर रो विकास रो बाधा सृष्टि करबा तांकर एकमात्र लक्ष्य। न्यूज 18 को मिलितबा एक्सक्लूसिव सूचना मुताबक आतंकवादींकर सबुठारु बड़ समर्थक आईएसआई तयारी करिछि नुआ प्लान। कश्मीर रे टारगेट किलिंग पई आईएसआई पक्षरु यूपी एवं बिहार रो शार्प शूटर मानकु व्यवहार करबा को षडयंत्र करा जाउछि। आईएसआई पक्षर एमती अपराधी और शार्प सुटर मान को खोजा चली, जो माने मात्र किसी टंका हत्या करने को भी प्रस्तुत। कश्मीर रे इमरान को कॉन्ट्रैक्ट किलर, टारगेट किलिंग करिबे शार्प शूटर। आतंकवादी द्वारा चलता टारगेट किलिंग रो प्रतिशोध नेबा भारतीय सेनार सबुठ बड़ ऑपरेशन जारी। कश्मीर उपत्यकार और घंच जंगल रे लुचि रही आतंकवादी को खोजापी जारी रही सर्च ऑपरेशन। से कश्मीर अन्य स्थान में लुचि रही आतंकवादी सफे अभियान भी जोरसोर से चली। केउठी टीआरएफ आतंकवादी को गुली करा जाउछि, पुणि जयस आतंकवादी को तांको उपयुक्त स्थान को पठा जाउछि। पुंछ टू आरंभ करी राजौरी एवं अनंतनाग टू आरंभ करी त्राल जाए पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी को तांको कारनामार सजा देउछि भारतीय सेना। आतंकवादी को उपरे भारतीय सेनार एभली कार्यानुष्ठान परे पाकिस्तान रे थिबा तांको मुखिया और समर्थकों व्यस्तता बढ़ी गलाणी। परिस्थिति एमती जे भारत विरोध में प्रस्तुत कले नुआ षड़यंत्र। पाकिस्तान रो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग षड़यंत्र, टारगेट किलिंग करिबे शार्प शूटर, भारत विरोध में पाक्रो डाटी प्लान। पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी आईएसआई ने कश्मीरी आतंकी संगठनों को यह निर्देश दिए हैं कि वो यूपी और बिहार में जो कॉन्ट्रैक्ट किलर हैं, सुपाड़ी किलर हैं, उनसे संपर्क साधें। न्यूज 18 इंडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक स्लीपर सेल जो कि इन आतंकी संगठनों के यूपी और बिहार में मौजूद हैं, उन्होंने इस काम की शुरुआत कर दी है और ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है। किसी दिन पूर्व पांच जन साधारण लोक हत्या कर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी स्पष्ट कर सारी प्रकृत लक्ष्य कौन। पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी स्पष्ट कर सारी कश्मीर में संख्यालघु और निर्दोष लोक हत्या कर अशांति सृष्टि करने को चाहते। एसबू भितरे सामना को आसला आतंकवादी प्रकृत परिचय। तासह पाकिस्तान आतंकी चेहरार पुणि थे पर्दाफाश, जहां सामना को आसुची कश्मीर टारगेट किलिंग करने को योजना करुच्ची आतंकवादी पालनकारी पाकिस्तान गुइंदा संस्था आईएसआई। एने उत्तर प्रदेश और बिहार शार्प शूटर को सामिल करने षड्यंत्र। न्यूज 18 को मिलता सूचना अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार कुख्यात अपराधी को खोजुची आईएसआई, जो माने टंका नहीं हत्या करने को सबुबले प्रस्तुत। आईएसआई एने निजर स्लीपर सेल को करिछि आक्टिव, जेकि अपराधी को हत्यापी देव मोटा अंकर टंका, फल कश्मीर में टारगेट किलिंग प्रस्तुत हो पारे। एम को कश्मीर में संख्यालघु को टारगेट कर टास्क मिल पाए, से व्यवसायी को हत्या करने एमान को व्यवहार करा जाई पारे।
पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर काम करने वाले आतंकियों का मकसद है कि कश्मीर घाटी में डर और असुरक्षा का माहौल बनाया जा सके और इसके लिए आतंकियों की जान भी जा रही है। लिहाजा उसने एक साजिश के तहत कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का फार्मूला अपनाया है। साजिश के तहत वारदात के बाद अगर कॉन्ट्रैक्ट किलर मारा जाता है या फिर पकड़े जाते हैं तो पाकिस्तानी सरकार और खुफिया एजेंसी आईएसआई अपना पल्ला आसानी से झाड़ सकती हैं। एथरु गोटे कथा स्पष्ट, पाकिस्तान रो गुइंदा संस्था आईएसआई गोटे गुड़ी रे तीनटी शिकार करबा को चेष्टा करूछि। उत्तर प्रदेश और बिहार अपराधी जरिया टार्गेट किलिंग योजना करूछि आईएसआई। जदि सेमाने धरा पड़ी गले निजकु एथरु अलगा करि पारिबो आईएसआई। आईएसआई प्रायोजित आतंकवादी जीवन भी रक्षा पाई जीवो। इस तरह की खबर मिल रही है कि पाकिस्तान का आईएसआई अब यूपी और बिहार के गरीब लोग जो शार्प शूटर्स हैं उनको पैसे देकर कश्मीर में हिंसा को और बढ़ावा दे। इसके दो तीन कारण नजर आ रहे हैं। एक तो आईएसआई जाना जाता है कि गरीब आदमियों को एक्सप्लॉइट करें। वो खाली हिंदुस्तान ही नहीं, पाकिस्तान के जो भी मिलिटेंट पकड़े गए हैं कश्मीर में दिल्ली में वो सब गरीब परिवार से थे। उनको बजाय पढ़ाई करवाने के वो हथियार दे रहे हैं और हिंदुस्तान में भी आज वही खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं। सुपर किलर को टारगेट रे किए गाहकु हत्या करबा को योजना करिछि आईएसआई। हत्या जोगु पाकिस्तान को कोन लाभ मिलबो? वर्तमान सुधा जहां जना पड़ुछि पाक प्रायोजित ही आतंकवादी वर्तमान केवल संख्यालघु हिंदू मानंकु टार्गेट करुछंति। हेले आशंका करा जाउछि यदि सुपारी किलिंग प्लान सफल हो जाए ताहले अन्य माने मध्य आतंकवादी को टार्गेट को आसी पारंति। न्यूज 18 को मिलिथिबा एक्सक्लूसिव सूचना अनुसार आईएसआई रो एही षडयंत्र आहुरी सांघातिक होई पारे। काश्मीर को अशांत करबा, विकास कार्य रोकबा एवं हिंसा द्वारा आतंकवादी कार्यकलाप वृद्धि करबा, खास सेथि पई आईएसआई पक्षरु कॉन्ट्रैक्ट किलर को सहायता रे सरकारी कर्मचारी को भी टार्गेट करा जाई पारे। तदंतकारी संस्था को निकट रे सूचना मिलिछि आतंकवादी संगठन पक्षरु 24 जणकर तालिका प्रस्तुत करा जाइछि। जैश ओ लश्कर भली आतंकवादी संगठन प्रस्तुत करिछंति प्लान। तालिकारे अछंति शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी और नगर निगम अधिकारी। पीडब्ल्यूडी एवं पंचायत विभाग कर्मचारी नाम मध्य तालिकारे शामिल। सरकारी कर्मचारी को टार्गेट करबाकु प्रस्तुत होइछि ब्लूप्रिंट। ओवरग्राउंड वर्कर एमानक संपर्क में आतंकवादी को तथ्य जगाइबे। सरकारी कर्मचारी को टार्गेट करी विकास रोकबाकु प्रयास। सूत्रों के मुताबिक कश्मीर में गोल्डन स्कीम की जो परियोजनाएं चल रही हैं उसमें जो लोग हिस्सा ले रहे हैं उनको निशाना बनाने की आतंकियों की योजना है। इन योजनाओं में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, रोजगार की योजना, मार्केटिंग की योजना, कारपेट वीविंग से जुड़ी योजना शामिल है। दरअसल पिछले 1.5 साल में ये देखा गया है कि इन योजनाओं में आम जनता ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। तो अब आतंकी ऐसी कोशिश को आम जनता की रोकना चाह रहे हैं किसी भी सूरत में। गोटे कथा स्पष्ट, पाकिस्तान सरकार सेना और आईएसआई पक्षरु कश्मीर में अशांति सृष्टि करबा को प्रस्तुत होईछि बड़ षडयंत्र। साधारण लोकों को टारगेट करी सेठाकार विकास रे बाधा सृष्टि करबा सह उपत्यकारे अशांतिर परिवेश सृष्टि करबा मानक लक्ष्य। हेले पाकिस्तान रो प्रतिटी नापाक हरकत उपरे सतर्क नजर रखिछि भारतीय गुइंदा संस्था। पाकिस्तान रो प्रतिटी षडयंत्र को पंड करि चलिछि भारतीय सेना। आतंकवादी को समानक उपयुक्त ठिकणा रे पहुंचाइबा काम जारी रखिछंती आम वीर जवान। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। कश्मीर ऑपरेशन ऑल आउट को नहीं छानिया पाकिस्तान सीधा सड़क किसी करार सामर्थ्य ना, तेणु आतंकवादी जरिया षड़यंत्र पर षड़यंत्र कर चली। अंपटे सीमार अनुप्रवेशकारी मुहतोड़ जवाब देउछंती भारतीय सेना, तेणु यार मुकाबला एक बड़ षड़यंत्र करुछि पाकिस्तान। पीओके रे अफगानिस्तान 3000 सिम कार्ड आक्टिव कर कौन यही षड़यंत्र आ पछर उद्देश्य कौन आसतु ता नजर पकाई ने। पाकिस्तान रो सिम कार्ड षड़यंत्र आतंकर आईटी सेल उपरे बड़ खुला आशा। कश्मीर रे भारतीय सेना पक्षरु जारी रहिछि ऑपरेशन ऑल आउट। पाकिस्तान रु ट्रेनिंग नहीं अनुप्रवेश करुथिबा आतंकवादी को खोजी खोजी तांको उपयुक्त स्थान को पठा जाउछि। सेनार ऑपरेशन नहीं सीमार लुचिथिबा आतंकवादी छानिया
अन्यपटे पाकिस्तान रे तांको पालनकारीको व्यस्तता भी बढ़ी जाइछि। तेणु काश्मीर रे अस्थिरता सृष्टि करबाकु प्रयास जारी रखिछि पाकिस्तान। या भितरे सामनाकु आसिछि पाक रो सिम कार्ड षड्यंत्र। पीओके रे अफगानिस्तान रो सिम कार्ड व्यवहार करछन्ति आतंकवादी। पाकिस्तान रो एभळी कारनामा पछरे रहिछि बड़ षड्यंत्र। सिम कार्ड लोकेशन रु लागिबो जेमिति सीमारे तालिबानी आतंकवादी रहिछन्ति। साइबर यूनिट को भी आक्टिव रखिछि आईएसआई। गुजब प्रचार सह युवपीढ़ी ब्रेनवाश करबा लक्ष्य, फलरे युवक माने आतंकवाद रास्ता अपनाइबे। आतंकवादी ट्रेनिंग परे अनुप्रवेश कराइबाकु लक्ष्य। तुषारपात पूर्वरु आतंकवादी को अनुप्रवेश कराइबाकु टार्गेट। न्यूज 18 को मिलिथिबा एक्सक्लूसिव सूचना अनुसार आतंकवादी पालनकारी आईएसआई पक्षरु तालिबान को मोहरा करी काश्मीर रे अशांति सृष्टि करबाकु लक्ष्य रखा जाइछि। आतंकी कार्यकलाप पई बदनाम लश्कर जैश ओ हिजबुल भली आतंकवादी संगठन को सुरक्षा देबाकु जाय सिम कार्ड षड्यंत्र अपनाइछि पाकिस्तान। ए षड्यंत्र अनुसार आतंकवादी को अफगानिस्तान रो सिम कार्ड देउछि आईएसआई। पीओके रे अफगानिस्तान रो 3000 सिम कार्ड आक्टिव अछि। ए सबु सिम गुडी को गत मासक भितर आक्टिव करा जायछि जाकु आईएसआई अधिकारी साइबर यूनिट ओ आतंकवादी व्यवहार करुछन्ति। एबे आपणक मनरे प्रश्न उठुथिबो पीओके थिबा आतंकवादी अफगानिस्तान रो सिम कार्ड केमिति व्यवहार करि पारिबे। आपण जानि दियंतु पीओके रे अफगानिस्तान रो सिम कार्ड सहजरे काम करे। एमिति कि पेशावर रु कॉल कले आईएसडी किंबा एसटीटी कोड लगाइबारो भी दरकार पड़े नाही। पाकिस्तान रु अफगानिस्तान कॉल लोकल होय थाए। गोटे कथा स्पष्ट, एक रणनीति माध्यम रे आईएसआई यहा देखाइबाकु चाहुछि जे तालिबानी आतंकवादी अफगानिस्तान परे जम्मू काश्मीर रे लढ़िबाकु प्रस्तुत। हेले प्रकृत कथाला अफगानिस्तान रो आतंकवादी नुहंती बरंग पाकिस्तान रो टेरर सेना व्यवहार करुछंती एही सिम कार्ड, जहां सुरक्षा दृष्टि रु बड़ विपद होई पारे। ये क्लैरिटी है कि किस तरीके से पाकिस्तान पीओके में तालिबान को घुसा रहा है, इंसर्जेंसी को बढ़ावा दे रहा है, टेररिज्म को अपने पल्ले से झाड़कर भारत के जेएनके की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहा है। वो नाकाम हो जाएगा ये एक अलग बात है, बट इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या ये देख नहीं पा रही कि पाकिस्तान किस हद तक इन्वॉल्व है जेएनके में टेररिज्म को बढ़ाने की। पाकिस्तान रो गुइंदा संस्था एएसआई रो उद्देश्य होला सिम कार्ड माध्यम रे षड्यंत्र करी आतंकवादी को प्रवेश कराइबा। हेले एथिरे तालिबान ना व्यवहार करबा को चाहुची। बड़ कथा ए दिगरे आक्टिव होई काम करुची आईएसआई रो साइबर यूनिट। गोटे पटे गुजब प्रचार करी आईएसआई रो साइबर यूनिट युवपीढ़ी को आतंकवाद आड़क टाणीबा को प्रयास करुची। सेपरि तुषारपात पूर्वरु काश्मीर रे बड़ आक्रमण पई आतंकवादी को प्रस्तुत करा जाउची। सूचना मिलुची अफगानिस्तान रे तालिबान को सहयोग करी फेरिथिबा आतंकवादी को काश्मीर मिशन रे लगाइछि पाकिस्तान। आईडी ब्लास्ट होंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जिसके लिए आई एम वेरी श्योर कि इंडियन आर्मी एंड सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंस नेटवर्क अपने आप में अच्छे से काम करेगा और इन सब का डट के मुकाबला किया जाएगा और इन्हें न्यूट्रलाइज किया जाएगा कि किसी भी तरह कोई भी बड़ा हादसा ना हो, कोई भी जान और माल की हानि ना हो। ये सिक्योरिटी फोर्सेस का ज़रूर कोशिश रहेगी। आई एम श्योर आईएसआई विल गेट डिफीटेड। टेररिस्ट ऑलरेडी डिफीटेड फील कर रहे हैं। अफगानिस्तान परी काश्मीर को अशांत करबा ने स्वप्न देखुची आईएसआई। हेले तार ही स्वप्न केवल स्वप्न रे ही रही जीव, कारण सीमारे सजाग रही भारतर वीर जवान। एथिसह काश्मीर रे जारी रही आतंकवादी सफेई अभियान ऑपरेशन ऑल आउट। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। पाकिस्तान अर्थनीति वर्तमान वेंटिलेटर रे, हेले यहाकु सुधारिबा पई पाकिस्तान जेउ रास्ता अपनाइछि ताहा देश पई आउ एक बड़ विपद को डाकी आनि पारे। कौन से विपद से नहीं देखिबा ब्रेक परे। आतंकवाद जरिया रे कश्मीर रे अस्थिरता सृष्टि करबाकु प्रयास करुछि पाकिस्तान। हेले एभली प्रयास ता पई महंगा साब्यस्त होउछि। पाकिस्तान रो अर्थव्यवस्था एक प्रकार वेंटिलेटर रे, तेणु निज अर्थनीति एवं आतंकवाद नीति को सुधारिबा पई तालिबान रो सहाय्य नेउछि। ड्रग्स कारबार को नै पूर्वर बदनाम रहिछि पाकिस्तान, एबे तालिबान को साथ देबा ता पई बड़ विपद डाकी आनि पारे।
देशर अर्थनीति बेहाल। पाकिस्तान सरकार किंतु बेफिकर, आतंक सह बंधुता छाड़ीबाकु नाराज। आगकु महंगा पड़िबो आतंकी सह बंधुता। ड्रग्स जालरे निजे फसिबो पाकिस्तान। भारत सह शत्रुता पई आतंकवादींकु साहाज्य करु करु पाकिस्तान केतेबेले कांगाल होइगला बोध हुए जानी पारलानी। काश्मीरे रक्तपात करिबाकु आतंकींकु आर्थिक साहाज्य देउ देउ केतेबेले तार अर्थनीति भुसुडी पड़िला बोध हुए पाकिस्तान जानी पारलानी। परिस्थिति एमिति होइसालानी अन्य देश ओ अंतर्जातीय संस्थारु साहाज्य पई भिक मागुछि। आतंकवादींकु पालन करिबा पाकिस्तान पई आगकु महंगा पड़िपारे। विश्व बैंक तरफरु जारी रिपोर्ट अनुसार पाकिस्तान अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देछि कोरोना। केवल सेतिकी नुहे विश्वर टॉप 10 करज नैथिबा राष्ट्र मध्यरे एहा शामिल होइसालानी। वर्तमान पाकिस्तान डीएसएसआई अर्थात डेबिट सर्विस सस्पेंशन यूनिट स्थिति को आसी सालानी, जहाँ फल आगकु पाकिस्तान पई विदेशरु करज नेबा कष्टकर होइ पड़िबो। इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत है। इस वक्त पाकिस्तान की तारीख में बुलंद तरीन डॉलर की कीमत है। इस वक्त पाकिस्तान में सबसे महंगा तारीख का आटा मिल रहा है बाजार में। इस वक्त सबसे ज्यादा महंगी चीनी इस वक्त मिल रही है। उसको हमने मेरे ख्याल में इतना पॉलिटिसाइज किया है कि हम समझ रहे हैं कि पता नहीं क्या बहुत बड़ा हमने कमाल कर दिया है या हमने क्या कर दिया है। आप फाइनेंशियल आर्म ट्विस्टिंग है, आप FATF के ऊपर अभी जाएंगे, अभी आपको इंडिया के जरिए जो है वो सख्तियां आएंगी, आपके ऊपर यूनाइटेड नेशन के हवाले से पाबंदियों की बात हो रही है। वेंडी शेयरमैन जो आई हैं वो सिर्फ असेसमेंट लेने आई हैं। मेरे ख्याल है कि वो ये देखना चाहती हैं कि इस हुकूमत के तिलों में कितना तेल मौजूद है और ये क्या हमें सर्व कर सकते हैं। पाकिस्तान अवस्था संकटापन्न, अर्थव्यवस्था एक प्रकार वेंटिलेटर है, तेणु इमरान निज देशर अर्थनीति और आतंक नीति को चलचंचल करिबाकु ड्रग्स कारबार करिबा आरंभ कर देलेनी। इमरान का सेना ड्रग्स सप्लाई काम आरंभ करिछि। भारतीय गुइंदा संस्था को मिलिथिबा सूचना मुताबक तालिबान सह मिसी ड्रग्स चालान करुछि पाकिस्तान सेना। अफगानिस्तान रु पाकिस्तान रो मिलिटरी एयरक्राफ्ट रे ड्रग्स सप्लाई करा जाउछि। तालिबान पई आरो मुख्य स्रोत हैला ड्रग्स चालान। सूचना अनुसार क्षमता को आसीबा पूर्वरु तालिबान ड्रग्स कारबार माध्यम रे प्राय 200 कोटी रोजगार करथला। क्षमता को फेरिया परे ड्रग्स कारबार को आहुरी आगो को नेबा पई लक्ष्य रखिछि तालिबान। एथिरे ट्रांसपोर्टर भूमिका तुलाइबा को प्रस्तुति चलाइछि पाकिस्तान। किसी भी पाकिस्तानी मिलिट्री एयरक्राफ्ट में अगर किसी भी तरह का ड्रग सप्लाई हो रहे हैं एज अ ट्रांसपोर्टेशन, ये अपने आप में एक बहुत ही शर्मनाक बात होगी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ऐसी बातें छुपी नहीं जाती। बट साथ ही साथ मुझे लगता है पाकिस्तान की दो चार मजबूरियां हैं, किसी भी तरह की इनकम वेलकम है, इनकम के बाकी जरिए इस समय बंद हो रखे हैं, ड्रग्स एक ईजी मनी है, इसको इनकैश किया जा सकता है, ये ड्रग्स अफगानिस्तान में तालिबान के पास अवेलेबल हैं। ड्रग्स कारबार पाई निजो सेना को व्यवहार करुछी पाकिस्तान, हेले बोध हुए से जानी परुनी एही लोभ आग को तापाई केते बड़ विपद डाकी आनी पारे। ड्रग्स कारबार रे पाकिस्तान को शामिल करबा पछरे तालिबान रहिछे एक बड़ उद्देश्य। तालिबान केमिति पाकिस्तान माध्यम रे लाभ उठाइबा को लक्ष्य रखिछि आसंतु नजर पकाइबा। काबुल ओ हेरात रु ड्रग्स पाकिस्तान रा रावलपिंडी रे पहुंची थाए। परवर्ती समय रे एई ड्रग्स तुर्की आड़ को जाई थाए। तुर्की रु एई ड्रग्स अफ्रीकीय देश को चालान करा जाए। निजो बंधुता जोगो पाकिस्तान रो साथ दउछि तुर्की। ड्रग्स कारबार को नै निजो छवि सुधारिबा को चाहुछि तालिबान, तेणु लोभ देखाई पाकिस्तान को निज सह मिसाई, फल मालामाल हेबो तालिबान आउ बदनाम हेबो पाकिस्तान। पूर्वरु FATF राडार रे रहिछि पाकिस्तान,
तेणु एभली स्थित ड्रग्स कारबार अफगानिस्तान साथ ही एक प्रकार आत्महत्या करने को पाकिस्तान या पछर कारण है दिनकू दिन भुशुड़ी पड़ा देशर अर्थनीति। बड़े सीधे शब्दों में कहा जाता है, चोर चोर मौसेरे भाई, आपने कभी एक भिखारी को कहीं और फ्रेंडशिप करते देखा है सिवाय के वो दूसरे भिखारी से करे? ज़रूरतमंद दोनों हैं, तालिबान को भी पैसा चाहिए, पाकिस्तान को भी पैसा चाहिए, और ड्रग्स अपने आप में उन्हें जोड़ता है क्योंकि ये रेडीली बाहर सेल कर सकते हैं। मुझे लगता है कि दोनों ही अफगानिस्तान के डिस्ट्रक्शन के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तालिबान पक्षर ड्रग्स कारबार को आगे बढ़ावाई हाजी बरसाई नूरजाई को दायित्व दि जाएगी। तालिबान हाजी बरसाई नूरजाई जरिया पश्चिम एशिया और आफ्रिकार ड्रग्स कारबार बढ़ावा लक्ष्य रखी। खास से कुख्यात ड्रग्स चलाणकारी हाजी बरसाई नूरजाई को मुक्त कराइबा को अमेरिका सह डील करुछंती तालिबानी नेता। अलकायदा सह जड़ित आफ्रिकीय आतंकवादी संगठन अल सबाब सह नूरजाई भल संपर्क। अल सबाब को अस्त्रशस्त्र सह तांको माध्यम रे ड्रग्स व्यापार बढ़ाइबा को तालिबान रो लक्ष्य। आपण जाणि आश्चर्य हेबे आफ्रिकीय देश मानंकु अस्त्रशस्त्र और ड्रग्स देबा आळरे टंका नुहे परं हीरा डिमांड करुछि तालिबान। कारण हैला आफ्रिकीय देशर हीरा क्वालिटी बहुत भल होइथाय। एभली स्थिति रे सेमानंक पाखरु नैथिबा हीरा सबुठू लाभदायक डील होई पारे। तालिबान रो डाटी गेम रे पाकिस्तान मध्य सामिल हेले आर्थिक स्थिति सुधारिबा पई पाकिस्तान जो रास्ता अपणैछि ताहा देश पई केते बड़ विपद डाकि आनी पारे ताहा बोध हुए अनुमान करिहबनी। हेले आतंक टंका पाइबा लोभरे पाकिस्तान को हा बिल्कुल नजर आसुनी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। देशर स्थिति सुधारिबा बदलरे कश्मीर अशांति सृष्टि करिबाकु षड्यंत्र करुछि पाकिस्तान। देशर सेना एवं सरकार आतंकवादीक सह मिसि जे भूल करुछंति ताहा साधारण लोकंकु अणनिश्वासी करि देउछि, सेथिप्रति कहारि ध्यान नाही। एई असंतोष आगामी दिनरे होइ पारे विद्रोहर कारण। समय सरिछि, आजर स्पेशल रिपोर्ट को एठ रखिबा। नमस्कार।